जय आइए मेरी प्रिय बहन भाइयों, कृष्ण भजन सभा आपका हार्दिक अभिनंदन करती है और मैं आप सभी को हार्दिक प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। जय गोपाल। और आपकी सभा का पहला भजन आप लोगों के समक्ष है। मधुवन की विशेषताएं, ब्रजभूमि के अंदर द्वादश वन हैं, 12 वन, जिनमें से मधुवन, वृंदावन, निधिवन, बहुलावन इत्यादि नामों से 12 वन जाने गए हैं। इनमें मधुवन की विशेष महिमा है क्योंकि मधुवन में भगवान श्याम सुंदर सदैव हर पूर्णमासी को और अपनी 125,000 गोपियों के साथ महारास लीला करते थे। ये परम लीला है भगवान की। जितनी भी लीलाएं धराधाम पे की हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ लीला है महारास लीला। महारास लीला का आनंद लीजिए और महारास लीला का नाम भी आपके कानों में पड़े तो आप परम भाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये भाव प्रेम भक्ति में प्रकट होते हैं महारास के। इनको जानने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप जानने में आ जाते हैं जब आपकी भक्ति का शिखर उच्चतर स्तर पर जाके फूल की तरह खिलता है, उस समय आपको महारास की लीला, जो परम लीला है भगवान की, वो समझ में आती है। तो मधुवन की महिमा इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है कि वहाँ भगवान रास किया करते थे और नित्य रास उनका अष्ट सखियों के साथ निधिवन में होता था, होता रहा है, हो रहा है मधुवन में भी, लेकिन आज हमारे पास वो आंख नहीं जिनसे हम देख सकें, जान सकें, वो ज्ञान नहीं, इसलिए इसका आनंद लीजिए। गोपी भाव में एक गीत आप लोगों को सुनाऊंगा। गोपी भाव सर्वश्रेष्ठ भाव है भक्ति का, लीजिए। कोशिश करता हूँ। मधुवन नीको लागेरी सखीरी, मधुवन नीको, मधुवन नीको लागेरी सखीरी, मधुवन नीको, मधुवन में मनमोहन रसिया, मधुवन में मनमोहन रसिया, भाल पे चंदन टीको, मधुवन में मन मोहन रसिया, भाल पे चंदन टीको, मधुवनी को लागेरी सखीरी, मधुवनी को। मधुवनी को लागेरी सखीरी, मधुवनी को, क्यों नी को लागे? अरे मधुवन में मन मोहन रसिया, मधुवन में मन मोहन रसिया, भाल पे चंदन टीको, भाल पे चंदन टीको, मधुवन नीको। मधुवन नीको लागेरी सखीरी, मधुवन नीको। पूनम की चांदनी में थिरके, हाँ पूनम की चांदनी में थिरके, काना मिलने को करो सलीको, मधुवन नीको। समझ में आ गया? पूनम की चांदनी को थिरके काना, मिलने को करो सलीको, मधुवन नीको, मधुवन नीको सखीरी, मधुवन नीको, मधुवन नीको लागेरी सखीरी, मधुवन नीको।
रसिक बिहारी नृत्य करें सखी रसिक बिहारी नृत्य करें सखी शीश मुकुट के की को शीश मुकुट के की को मधुवनी को मधुवनी को लागेरी सखीरी मधुवनी को लागेरी सखीरी मधुवनी को घर घर जय जय श्याम सुंदर की घर घर जय जय श्याम सुंदर की घर घर माखन छी को मधुवनी को घर घर माखन छी को मधुवनी को मधुवनी लागेरी सखीरी मधुबन नीको मधुबन नीको मोहन के चरणन चांदी के ओ मोहन के चरणन चांदी की चांदी के घुंघरू मोहन के चरणन चांदी के प्रीतम राधे जी को प्रीतम हाँ मोहन के चरणन हाँ मोहन के चरणन चांदी के घुंघरू मोहन के चरणन चांदी के घुंघरू प्रीतम राधे जी को मधुबनी को मधुबनी को लागेरी मधुवनी को मधुवनी को लागेरी सखीरी मधुवनी को सांख्य पकीरा सखी भई सांख्य पकीरा सखी भई है सा बावरी सांख्य पकीरा सखी भई है बावरी धन्य है जल जमुना जी को मधुवनी को धन्य है जल जमुना जी को मधुवनी को मधुवनी को लागेरी सखीरी मधुवनी को आपको ये छोटा सा एक रहस्य है वो भी बतला देते हैं भगवान महाराज करने की उपरांत यानी सुबह भोर का मुर्गा जब बोल जाता है ब्रह्म मुहूर्त में महाराज चंद्रमा अस्ताचल हो जाते हैं बंद हो जाता है और उसके बाद भगवान जमुना जी में आकर के गोपियों के संग स्नान करते हैं जमुना जल में एक दूसरे के ऊपर पानी छिड़कते हैं खुले भगवान की लीलाओं को जानना अति दुर्लभ है जिन संतों ने महात्माओं ने जाना है वो धन्य हो गए हैं धराधाम के वासी नहीं रहे चले गए उनके धाम नीको लागेरी सखीरी मधुवनी को नीको लागेरी सखीरी मधुवनी को मधुवनी को लागेरी सखीरी मधुवनी को मधुवनी को लागेरी सखीरी मधुवनी को सखीरी मधुवनी को सखीरी मधुवनी को क्यों नी को लागे वो तो आपको समझा दिया था फिर से सुनो मधुवन में मन मोहन रसिया मधुवन में मन मोहन रसिया भाल पे चंदन टीको ओ भाल पे चंदन टीको मधुवनी को मधुवनी को लागेरी सखीरी मधुवनी को लागेरी सखीरी मधुवनी को एक बात और आप लोगों को बता देना आवश्यक है
भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि के अंदर केवल 11 वर्ष और 52 दिन रहे, यानी उनकी सुंदर सी अवस्था, किशोर अवस्था, आहा श्याम स्वरूप, भगवान की लीलाएं अपरंपार है। जो परमपिता परमेश्वर हैं, वो अनादि आदि ब्रह्मांडों के नायक हैं। उनके साथ में हमारी तरह उम्र का सवाल नहीं उठता, उनकी उम्र नहीं होती है, फिर भी कुछ असमंजस में पड़ने वाले लोगों के लिए ये बोध दिलाया है कि भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष और 52 दिन की अवस्था में ब्रजभूमि वृंदावन को तज करके चले गए थे। वृंदावन से मथुरा आए, मथुरा से सदैव के लिए द्वारकापुरी में रहे, अपनी 16,108 रानियों के साथ में, महारानी पटरानियों के साथ 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर थे। जिन्होंने उनके दर्शन किए वो अति भाग्यशाली हैं। जय गोपाल। आज की सभा का एक दूसरा भी भजन आपको सुनाऊंगा, इसका भी आनंद लीजिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण रटो रसना। रसना कहते हैं जो रस लेती है। अगर ये हरि नाम में रस लेने लगे हमारी रसना जीव, तो हम कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन ये रस कहाँ कहाँ लेती है आप तो जानते हैं। दही भल्ला खाती है कभी, कभी कचौरी, कभी फिल्मी गानी, तरह तरह के रस लेती है। लेकिन इसको जो है एक भक्त आत्मा कहती है कि अरे मेरी रचना, तू राधे कृष्ण रट। राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटते संत जना। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटोगी तो चैन आ जाएगा, राधे कृष्णा रटोगी तो चैन आ जाएगा। मन ना मन ना गुल्ले डंडा खेले हरि को रे जाएगा। बोलिए, हमारी रचना यानी जीव, इसके ऊपर जो है बड़ा निर्भर करता है ये मन भी। जैसे कोई व्यक्ति रचना के रचना का स्वाद लेता है रचना से, जीव से किसका, दारू का, मदिरा का, तो ये मन की अवस्था कैसी हो जाती है आप जानते हैं ना, बताने की आवश्यकता नहीं ना। और जब हम भगवान के चरणों में जाकर प्रणाम करके उनके चरणामृत का पान करते हैं, इसी रसना से करते हैं, तब हमारी बुद्धि में कुछ शुद्धता प्रकट होती है। भगवान का नाम भी ऐसे ही है, संतों ने कहा है मधुरम मधुरे पावनेभ्यो अपि पावनम्, मंगलेभ्यो अपि मंगलम्, हरि नाम एव केवलम्। मधुरों में जितने भी पदार्थ मधुर हैं उनमें सबसे अधिक मधुर हरि का नाम है। जिन्होंने चखा है वो कहते हैं, हो सकता है प्रारंभ में ये आपको कड़वा लगे, लेकिन रिजल्ट में ये बड़ा मधुर, अति मधुर होता है। मधुरम
मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम्। और मंगल करने वालों में हरि का नाम सबसे अग्रगण्य है, सबसे आगे है, प्रथम है, आपका मंगल करता है। ये संसार सागर से ही आपको पार कर देता है हरि का नाम, और उस परमपिता परमेश्वर के चरणों के दर्शन का अधिकारी बना देता है हरि का नाम। मंगलेभ्यो अपि मंगलम्, पावनेभ्यो अपि पावनम्। पवित्रों में अति पवित्र हरि का नाम, जो अति पवित्र है वही हमको पवित्र कर सकता है, और कोई उपाय नहीं है। मधुरम मधुरेभ्यो अपि मंगलेभ्यो अपि मंगलम्, पावनेभ्यो अपि पावनम्। हरि नाम एव केवलम्, हरि नाम एव केवल हरि का नाम। राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटते हैं सत जना। राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटोगी तो चैन आ जाएगा, मन्ना गुल्ली डंडा खेले हरि को रिझाएगा, ना देखेगा रात दिन उल्टा सीधा सपना। राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना। राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना। जिनकी कृपा से तरे भक्त बैठ नाव में, जिनकी कृपा से तरे भक्त बैठ नाव में, वो ही बन यशोदा नंदन खेले गोकुल गांव में, वो ही बन यशोदा नंदन खेले गोकुल गांव में। उनके बिना कौन है जो यहाँ अपना, उनके बिना कौन है जो यहाँ अपना। राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटो सपना, राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटो रसना। राधे कृष्णा रटते हैं संत जना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना। राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटो रसना। भूल के हरि को जग में कोई रसना, भूल के ओ भूल के हरि को जग में कोई रसना, काम क्रोध मद मोह नाग डसना, काम क्रोध मद मोह नाग डसना। भक्तों की बस्ती में जाकर हमें बसना, भक्तों की बस्ती में जाकर हमें बसना। राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना, राधे कृष्णा रटते संत जना। राधे कृष्णा ओ राधे कृष्णा। सांवरे सलोनी श्याम सुंदर भगवान है, सांवरे सलोनी श्याम सुंदर भगवान है, उनकी शरण में रहने वाले सम्मान है, उनकी शरण में रहने वाले सम्मान है। त्याग जग का जहर हरि का नाम चखना, और त्याग जग का हाँ त्याग विषय वासना ही जहर है। त्याग जग का जहर हरि का नाम चखना, राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटो।
रटते हैं संत जना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, वृषभान की दुलारी मोहन प्यारी राधे रानी जी। वृषभान की दुलारी मोहन प्यारी राधे रानी जी, परम कृपालु करुणा मई ब्रज रानी जी, परम कृपालु करुणा मई ब्रज रानी जी। राधे जी का नाम लेना नित्य हंसना, राधे जी का नाम लेना नित्य हंसना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना, राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। नाती दोते खाते पीते रसनारी का नाम ले, नाती दोते खाते पीते रसना हरि का नाम ले, राधे ब्रज की राजकुमारी हरि हमारे सामले, राधे ब्रज की राजकुमारी हरि हमारे सामले। जुगल छवि के दर्शन करते कैसा थकना, जुगल छवि के दर्शन करते कैसा थकना, राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। परम मनोहर लीला हरि की, लीला का गुणगान कर, परम मनोहर हरि की लीला, लीला का गुणगान कर, भग भग करना छोड़ रसना हरि नाम का पान कर। सांख्य फकीरा की परमेश्वर राधे कृष्णा, सांख्य फकीरा की परमेश्वर राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटते हैं संत जना, राधे कृष्णा रटते सारे संत जना। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल, गौर हरि बोल जय गौर हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल गौर हरि बोल, गौर नित्यानंद बोल गौर हरि बोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा रटो रसना, राधे कृष्णा रटो रसना। सभा में आनंद लिया, आपको मेरी शत शत कोटि प्रणाम सभी को, आपके ऊपर भगवान की छत्र छाया बनी रहे, मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। और आप लोगों से विनती गुजारिश करता हूँ कि आप कृष्ण भजन सभा को जब भी समय मिले समय निकाल कर भी सुनिए, इस सभा के सुनने से आपका कल्याण हुआ, अवश्य भगवान के आप प्रिय भक्त बन जाएंगे, और यही एकमात्र मार्ग है कि उनके हमारी रसना हमारी जिह्वा हमारा तन मन सभी उनके चरणों में और उनकी समर्पित हो और उनका नाम लें। नाम लेते लेते हम जगत के जो करने योग्य कार्य हैं सभी को करते हुए इस धराधाम से इस जन्म मरण जरा व्याधि के चक्कर से उनकी कृपा से हरि की कृपा से बच निकलें, और यहाँ आना भी पड़े दोबारा तो कोई अच्छे उच्च कुल में जहाँ
की होती तो भगवान की, वहाँ आ जाएं और भगवान का नाम प्रचार करें, धरती पर धर्म का प्रचार करें और सत्य का प्रचार करें, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी भक्त को अब गोदी में, जैसे प्रहलाद महाराज को अपनी गोदी में बैठा लिया था नरसिंह भगवान ने, ऐसे आप सभी के साथ उनका व्यवहार हो उनके प्रेमी बनने पर। जय गोपाल। आगे की सभा में फिर आप लोगों के दर्शन होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि हरि की कृपा बनी रहेगी आपके ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। जय गोपाल।